प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बच्चों आज हमने ये दो लाइनें लिखी हैं पेन के साथ। बाद में प्यारे प्यारे बच्चों को ये बताऊंगा कि ये जनाब, जिना, हया, खयानत, ये चंद लफ्ज जो मैंने लिखे हैं इनकी छोटी शकाल क्या है वो लिखने का मैं तरीका आपको बताता हूं कि अगर इन छोटी शकाल के ऊपर आपको अगर ग्रिप हो जाए तो ये सारे लफ्ज बनाने आसान हो जाएंगे। इसी तरह आइन अलिफ आ, ये मैं लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपको आइन अलिफ आ लिखना आ गया तो आली, गार, आमिर, आजिज, आसिम वगैरह और भी बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, लेकिन हमारी इस लाइन पे जितने हमने उतने लिखे हैं। तो बच्चों आज मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं। आपने सबसे पहले ये जनाब, जिना, हया और खयानत, इसकी छोटी शकाल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये सेवन बनाया, सेवन के बाद जबर और ये खड़ी जबर, सेवन जबर खड़ी जबर। जबर खड़ी जबर इसलिए कहता हूं कि ये वाला जो प्याला बनता है ना, वो बच्चे प्याला बाज का बहुत बड़ा बना देते हैं, लिहाजा चूंकि बच्चे के जहन में जबर का साइज उसके जहन में होता है कि कुरान पाक में जबर जो लिखी जाती है वो इस साइज की होती है। तो जबर इसके साथ खड़ी जबर यानी अलिफ का नाम मैंने खड़ी जबर रखा हुआ है और ये दो लाइनों के मिड तक जाएगा। अलिफ का साइज कितना रखेंगे, दो लाइनों के मिड तक।